नमस्कार दोस्तों, आपके सामने ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखेंगे आरएमएस की वैल्यू और एवरेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम लोग डेली एक क्लास लेके आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास फर्स्ट के लिए मैं आपका बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसी प्रकार से मैंने ये नई सीरीज स्टार्ट की है, जो बच्चे घर पर बैठ के अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ी है या फिर भी आपने नहीं पढ़ी और फिर भी आपको क्वेश्चन जानना है, सीखना है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। इसके बाद न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। अभी तो ये चल रहा है क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री चलेगा, फिर जून से हमारी नई क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं जो ऑनलाइन क्लास चलेंगी, जो कि पेड क्लासेज होंगी। तो उसमें आप सभी बच्चे भागीदारी कर सकते हैं, उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आपको आने वाले दिनों में मैं यूट्यूब पर देता रहूँगा, तो आप जुड़िएगा मेरे साथ और देखें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन है, BT क्वेश्चन 2 प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 रेशियो ऑफ बी आर एम एस अपॉन बी एवरेज। हमें इस क्वेश्चन में आर एम एस वैल्यू निकालना है, एवरेज निकालना है और इसका हम लोग डिवाइडेशन करेंगे, देन वी विल फाउंड द राइट आंसर। तो नियम क्या है, तरीका क्या है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे कंसेप्ट बताना चाहूँगा। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके आपके कंसेप्ट को पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास अगर कोई सिग्नल है BT इक्वस टू, इस प्रकार का सिग्नल है, ए नॉट प्लस ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी, या इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, डैड डैड डैश, इसी प्रकार से कॉस कॉस भी हो सकता है। अगर आपका इस प्रकार से है ए नॉट प्लस ए वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ये अलग अलग हो सकती है, वन टू हो सकती हैं, वन और टू, ठीक है, इस प्रकार से चल सकता है। तो इस केस में अगर आपको डीसी वैल्यू निकालना है तो डीसी वैल्यू क्या होगी, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो यहाँ पे ए नॉट है इट शो द डीसी वैल्यू। किसको शो करेगा ये, ये शो कर रहा है डीसी वैल्यू को, जबकि यहाँ पर ए वन जो है आपका फर्स्ट आर एम एस, या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ये आपकी जो वैल्यू है ये आपको शो करेगी एक प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू को, फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू जिसके द्वारा हम आर एम एस वैल्यू को निकालते हैं। ये आपका क्या है, ये आपकी सेकंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये ए नॉट ए वन और ए टू, ये आपको बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको कोई डी सी वैल्यू फाइंड करना है, डी सी वैल्यू, इस डीसी वैल्यू को ही हम लोग बोल देते हैं नॉर्मली एवरेज वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे कंसेप्ट को अगर देखें तो यहाँ पे डीसी वैल्यू क्या होगी, आपकी ए नॉट, ए नॉट हो गई आपकी डीसी वैल्यू। लेकिन अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, इसी डीसी वैल्यू को हम लोग बोल देते हैं एवरेज वैल्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग बोल देते हैं एवरेज वैल्यू। अगर हमने बोला आपसे कि आरएमएस वैल्यू आप निकालिए, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा, जो भी आपका, जैसे हमें आरएमएस वैल्यू उसकी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखें आप समझिएगा बहुत अच्छे से, है ना। तो आर एम एस वैल्यू इक्वल्स टू अंडर रूट जो भी डीसी है, ठीक है, इसका स्क्वायर, और प्लस जो भी मैक्सिमम वैल्यू है ये आपका शो करता है एसी को। किसको शो करता है, एसी को, जो भी आपका एसी है इसका स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, एसी बाय रूट टू का स्क्वायर, बिकॉज ये क्या है, आर एम एस वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इसका यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा आपका ए वन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ए वन बाय रूट टू इसका स्क्वायर प्लस ए टू बाय रूट टू इसका स्क्वायर, यानी कि हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी बाय रूट टू करेंगे इसका स्क्वायर। तो ये आपका कंसेप्ट था। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन करें तो हमें भी इसकी क्या करना है, आरएमएस वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आरएमएस वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे या एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एवरेज वैल्यू की। तो एवरेज वैल्यू आपका क्या है, इसे किससे डोर कर रहे हैं हम लोग, बी एवरेज से, ठीक है। तो जो डी सी वैल्यू होगी वही होगी। तो आप क्वेश्चन में देखिए, आपको दिया है टू, तो ये जो टू है वही डी सी वैल्यू है, यानी कि ये जो डी सी वैल्यू है यही आपकी क्या होगी, टू एवरेज वैल्यू होगी। अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आरएमएस वैल्यू की, तो बहुत अच्छे से देखिए सही बच्चे, आरएमएस वैल्यू की अगर बात कर रहे हैं, यानी कि बी आरएमएस,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट जो भी डी सी होगा उसका स्क्वायर और ए सी बाई रूट टू का स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको देखिए कितना दिया है, टू, कॉस के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स इसके मल्टीप्लाई में लिखा है वन। क्या लिखा है, वन। तो टू प्लस वन इंटू कॉस है ना, ऐसा करके। तो वन यानी कि हम लोग यहाँ पे करेंगे टू का स्क्वायर प्लस वन बाय रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग ऐसे इजी तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे होगा फोर और वन बाय टू, इट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट एट, फोर टू ज़ा एट और वन नाइन, नाइन बाय टू। यानी कि ये आपका हो गया, आपको जो आर एम एस वैल्यू यहाँ पे मिली वी आर एम एस, ये आपको मिला थ्री बाय रूट टू। हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना था, इस क्वेश्चन में हमें निकालना था वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें निकालना था वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। तो अगर आप देखें वी आर एम एस की वैल्यू आपकी कितनी है, थ्री बाय रूट टू, और यहाँ पे एवरेज की वैल्यू कितनी है, ओनली एवरेज की वैल्यू आपने निकाली थी टू, दैट मीन्स आंसर इज थ्री अपॉन टू रूट टू, ये आपका सही हो गया। तो आप अगर यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपका यहाँ पे सही हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जिनको छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं पता है ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ज़्यादा होशियार लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो जहाँ आप समझ रहे होंगे मेरा मतलब क्या है, तो समझदार बच्चे ही इसे अच्छे से पढ़ें और अपने एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे रखें, क्योंकि बहुत ही केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे जब अच्छे पेपर देते हैं लाइक यूपीपीसीएल देते हैं, डीएमआरसी देते हैं, एसएससी जेई देते हैं, तो यही छोटे छोटे क्वेश्चन वो वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ छोटे छोटे ये कंसेप्ट हैं जिनसे बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इसी क्वेश्चन में कोशिश कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे कि टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू, ऐसा करके। तब आप क्या करते, इसीलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है कि जो भी आप आर एम एस वैल्यूज की निकालते हैं तो इस प्रकार से ऐड होता चला जाता है। चूँकि यहाँ पे मैंने डेड डेस्क डेस्क लिखा, इसीलिए मैं अगर कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ से डेड डेड डेस्क करके। इसका मतलब अगर और भी होंगे तो वो इसमें बाय रूट टू में स्क्वायर करके हम लोग कनेक्ट कर देंगे। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, एक शानदार क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन डीआरडीओ में पूछा गया है, एसएससी जेई में पूछा गया है, और ये डीएमआरसी में भी पूछा गया है, और कई सारे पीएसयू में आया है जिसमें पर्टिकुलर वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार के आते ही हैं। ये तो मैंने पर्टिकुलर एग्जाम बताया जिसमें लाइक ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, और बाकी जो पेपर हुए हैं उसमें काफ़ी सारे बेसिक बेसिक लेवल के, जैसे डीसी वैल्यू निकालिए, आरएमएस निकालिए, एवरेज वैल्यू निकालिए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करूँगा अपनी नेक्स्ट सेकंड क्लास में। तो आपकी एक क्लास फर्स्ट थी, इस प्रकार से मैं डेली एक क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर स्टेज करके एक टेक्निकल वीडियो बहुत प्यारा आपके लिए लेकर आने वाला हूँ डेली। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। ओके, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।